सो है गाइस, ओको भाई को पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कैसे आप फ्लैश इफेक्ट को यूज कर सकते हो, बट इस वाले वीडियो में उससे भी नेक्स्ट लेवल एडिटिंग किया है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच कर लेना क्योंकि इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए पहले आप प्रीव्यू को देख लीजिए। सो गाइस, इस तरीके से फ्लैश इफेक्ट यूज करने के लिए आपको चाहिए कैपकट एप्लीकेशन। चलिए ऐप को ओपन करते हैं। सो उससे पहले आपको एक वीपीएन कनेक्ट कर लेना है। सो मैं यूज़ करता हूँ सिक्योर वीपीएन, आप इस वीपीएन को यूज कर सकते हो, काफी सिक्योर है। एंड उसके बाद कनेक्ट, एंड उसके बाद आपको अपना जो कैपकट एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन कर लेना है। सो कहाँ गई मेरा वीडियो, ये रही मेरी वीडियो। तो इसमें पहले आपको क्या करना है, जो सॉन्ग है उसको म्यूट कर लेना है अगर सॉन्ग है तो, एंड उसके बाद आपको जो अपना म्यूजिक है उसको आपको ऐड कर लेना है, एंड जो सॉन्ग है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको भी ऐड कर लेना। सो सॉन्ग कुछ इस तरीके से है, एंड आपको देखना है कि कहाँ पे बीट मार्क आ रहा है, ठीक है, वो आपको पहले मार्क करना है बीट मार्क को। तो सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है एंड मैच आउट पर जाना है, एंड आपको बीट शायद यहाँ पर आ रहा है, साउंड इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, एंड यहाँ पे जो पॉइंट लगा दिया मैंने, आपको क्या करना है, ए पॉइंट के हिसाब से ट्रांजेक्शन को ऐड करना है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वाला वीडियो यहाँ से है तो मैं इसको यहाँ से काट करूँगा, एंड सेकंड वाला वीडियो यहाँ से है सो मैं इसको काट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इसको सोलो करना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं सोलो में करेंगे तो जो बीट मार्क है वो सही से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो काटो में जाना है एंड सोलो में इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे सोलो में ऐड हो गया है। अभी आपको जो जूम लेंस इफेक्ट है उसको आपको, जूम लेंस नहीं, जो ब्लर लेंस इफेक्ट है उसको आपको ऐड कर लेना है। तो इसके लिए आपको जाना है इफेक्ट में एंड वीडियो इफेक्ट में जाना है, एंड जाने के बाद आपको यहाँ पे डायमंड जूम लेकर एक इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इसको ऐड करने के बाद इसको आपको सेटिंग में जाना है, एंड इसका जो इंटेंसिटी रहेगा, सॉरी इसका जो साइज रहेगा उसको आपको रखना है 100, एंड जो इंटेंसिटी रहेगा उसको आपको रखना है 81 के आसपास, ठीक है। एंड उसके बाद जो स्पीड रहेगा उसको आपको रखना है लगभग 50 के आसपास, ये हो गया। एंड उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट रहेगा उसको आपको रखना है 17 के आसपास, अगर इसको कम नहीं रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। एंड जो रोटर रहेगा उसको आपको लगभग 50 के आसपास रख देना है, ठीक है। सो ये तो मेरा ब्लर लेंस हो गया, एंड उसके बाद रखना है आपको जो फ्लैश इफेक्ट है उसको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड ये काफ़ी इजी है यार, बट फिर भी काफ़ी सारे लोग को पता नहीं है ये इफेक्ट के बारे में। सो इसका नाम है गाइस फूड लाइट, ठीक है। तो इसको आपको ऐड करना है, एंड इसका जो साइज नहीं, जो लेंथ रहेगा उसको आपको रखना है 0.7 सेकंड के आसपास। सो आप यहाँ पर ईजिली ऐड हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो वीडियो कैसे आ रहा है हमारा। सो गाइस, यही तरीके आज का ट्यूटोरियल, आई होप क्या ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।